जनपद रुद्रप्रयाग में 34वें सड़क सुरक्षा माह के तहत पुलिस के साथ स्वयंसेवियों नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है, जिसमें स्कूली छात्र छात्राएं भी ट्रैफिक पुलिस के साथ बाजारों सड़कों में मदद कर रही हैं। वहीं यातायात निरीक्षक श्याम लाल ने कहा कि 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक 34वां सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसमें सभी वाहन चालकों और नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करने के साथ ही सड़क पर कैसे सुरक्षित चलें इसकी भी जानकारियां दी जा रही है। वहीं स्कूली छात्र छात्राएं भी यातायात पुलिस के साथ, विशेषकर युवा वाहन चालकों को सुरक्षा के साथ ओवर स्पीड, शराब पीकर वाहन नहीं चलाने, हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने के साथ वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने के लिए नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल निगे की रिपोर्ट। यातायात पुलिस के साथ हम रह के 7 दिन के कैंप में हमने ये मतलब सबको बताया है कि हम ट्रैफिक नहीं लगने देना है, हेलमेट पहनना है, जिनके लाइसेंस है उनको लाइसेंस देना है, उनको बोलना मतलब जागरूकता फैलानी है। हम युवा हैं नए भारत के और हमें यही जागरूकता सब तक फैलाना है। ये जैसे कि आप बैनर देख रहे हैं यातायात पुलिस जनपद रुद्रप्रयाग, तो ये ट्रैफिक पुलिस रुद्रप्रयाग, नेहरू युवा केंद्र रुद्रप्रयाग और NSS यूनिट, NCC यूनिट AUGIC रुद्रप्रयाग और NSS यूनिट बेलनी, इनके संयुक्त तो एक कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है यहाँ पर, ये सड़क सुरक्षा सप्ताह ये जो है हमारे 12 तारीख से चल रहा है और आज का जो है समापन है। इस वर्ष 34वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन 15 जनवरी 2024 से 14 फरवरी 2024 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा की मुहिम को इस वर्ष की थीम हुई ए रोड सेफ्टी हीरो है। इसका आयोजन हमारे यातायात निदेशालय से प्राप्त निर्देशों के अकॉर्डिंग तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद रुद्रप्रयाग के निर्देशन के क्रम में 15 जनवरी से हम इसको मना रहे हैं।